देहरादून के राजपुर रोड स्थित इंद्रलोक होटल में बाघ जागरूकता को लेकर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का आयोजन दून आर्ट काउंसिल और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। उत्तराखंड में बाघ संरक्षण के लिए फेयरलेस बाघ नाम से शुरू हुई ये प्रदर्शनी आगामी 16 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें आम जनमानस के साथ ही भावी पीढ़ी में बाघ संरक्षण को लेकर जागरूकता आएगी। पिछले कुछ सालों में बाघ संरक्षण की दिशा में उत्तराखंड ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर की संख्या बढ़ी है। बाघ संरक्षण का यह कार्य आगे भी ऐसे जारी रहेगा। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए बाघ के चित्र भी इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं, जो बेहद ही सुंदर हैं। आयोजक संस्थान के मेंबर मोहित डांग ने बताया कि फेयरलेस बाघ नाम से शुरू हुई ये फोटो प्रदर्शनी 16 अगस्त के बाद राज्य के दून स्कूल जैसे विभिन्न स्कूलों में भी लगाई जाएगी, ताकि बाघ संरक्षण को लेकर आम जनमानस में जागरूकता बढ़े। तो ये जो बाघ प्रदर्शनी है ये फियरलेस बाघ के नाम से है और ये 29 जुलाई से चालू हुई है। इसका मोटिव ये है कि जो टाइगर अवेयरनेस है उसको थोड़ा सा जागरूक करा जाए लोगों को कि टाइगर के बारे में। उत्तराखंड में जैसे कि आप जानते हैं दुनिया के वो इंडिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन टाइगर का जो है वो उत्तराखंड में है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एज सिटीजन्स ऑफ देहरादून हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करें। तो जो डू नॉट काउंसिल है वो और राजा जी टाइगर रिज़र्व ने ये मिल के एग्जीबिशन को करा है और इसमें WII का भी सहयोग रहा है। उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी है टाइगर को, बाघ को लेके। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग आएँ और इसको देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो बच्चों को और हर वाइल्ड लाइफ लवर को अच्छी लगेगी। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए देहरादून से अमित चौहान की रिपोर्ट।